नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं विनेश न्यूज। इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और इन बात से तो आप सब वाकिफ है, लेकिन जब पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तो हम वाहन चलाने वाले क्या करें। इसके अल्टरनेट के तौर पर लोग ई व्हीकल का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। जैसे ही ई व्हीकल का नाम आता है तो इन दिनों चलन हो चुका है ई स्कूटर का। और आपको बता दें कि ई स्कूटर के चलन के बाद से हर जगह यही न्यूज आ रही है कि ई स्कूटर सस्ता और किफायती तो पड़ रहा है, लेकिन जहां देखे उसमें आग लगने की खबरें सामने आ रही है। ये ई स्कूटर क्या है, इसमें आग क्यों लग रही है और आग लगने की वजह क्या है, मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है ये स्कूटर? इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसा स्कूटर है जो बिजली से चलता है। इस स्कूटरों में बैटरी लगी होती है जिसको चार्ज करने के बाद आप बिना ईंधन यानी बिना पेट्रोल डीजल या सीएनजी के स्कूटर चला सकते हैं। अब बात आती है कि इन स्कूटरों में आग कैसे लगती है और क्यों लगती है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि बिजली से चलने वाली चीजों में शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने का भी सबसे बड़ा कारण होता है। शॉर्ट सर्किट तब लगता है जब कोई तार खुली रह जाती है या आपस में जुड़ी नहीं होती, जिससे स्पार्क होता है। और लोग अक्सर स्कूटर में होने वाले स्पार्क को इग्नोर कर देते हैं और गर्मी के कारण उसमें आग लग जाती है। आग लगने का एक और कारण स्कूटी की सर्विसिंग से भी जुड़ा हुआ है। लोग अक्सर पैसे बचाने के चक्कर में किसी लोकल मैकेनिक के पास सर्विसिंग कराने चले जाते हैं। वहां कई बार कोई नौसिखिया मैकेनिक गाड़ी ठीक करते वक्त कोई तार खुला छोड़ देता है, जिससे पहले शॉर्ट सर्किट होता है और फिर आग लग जाती है। इसलिए हमेशा कंपनी के सर्विस सेंटर जाकर ही स्कूटी की सर्विसिंग कराए। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में ब्लास्ट उसमें लगी बैटरी से भी होता है। कई बार बैटरी पर लोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिससे वो ओवरलोड हो जाती है। इसी बैटरी के सेपरेटर प्रभावित होते हैं जो ब्लास्ट का मुख्य कारण बनता है। बैटरी में दो साइड्स होती है जिसमें नेगेटिव साइड को एनोड और पॉजिटिव साइड को कैथोड कहते हैं। ये बैटरी के अहम हिस्से होते हैं। जैसे ही सेपरेटर में खामी आती है वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल मिसबैलेंस होना, कभी कभी बैटरी डीप डिस्चार्ज या ओवरचार्ज हो जाती है, उससे भी ब्लास्ट हो सकता है। वो कहते हैं ना कि ज्यादा इस्तेमाल से चीजें खराब हो जाती है। इसी प्रकार लगातार चार्जिंग और यूज की वजह से भी बैटरी गर्म हो जाती है, विस्फोट का कारण बनती है। ज्यादा चार्जिंग की वजह से बैटरी के अंदर लगा सेपरेटर टूट जाता है और ये भी ब्लास्ट की वजह बनती है। अब स्कूटर में आग कैसे लगती है पता चल गया, आग लगने की वजह क्या होती है ये भी पता चल गया, तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को आप ब्लास्ट होने से बचा कैसे सकते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले तो अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का ध्यान सावधानी से रखना होगा। अगर कोई स्पार्क दिखे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। हमेशा कंपनी के सर्विसिंग सेंटर में ही जाके सर्विसिंग कराएं। स्कूटी को इस्तेमाल करने के बाद उसे कुछ देर तक इस्तेमाल न करें ताकि इंजन ठंडा हो सके। कभी भी स्कूटी की बैटरी को ओवरचार्ज ना करें और न ही उसे डिस्चार्ज होने की स्थिति में इस्तेमाल करें। यानी कि जब आपकी स्कूटी डीप डिस्चार्ज हो जाए तो उसको इस हालत में कभी भी इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होगा कि आपकी स्कूटी में डिसबैलेंस क्रिएट होगा और आपकी स्कूटी में विस्फोट होने के, अगर आप ई स्कूटर चलाते हैं तो आपसे ये अपील है कि आप अपनी स्कूटी का और अपना बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विनेश न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।